हेलो फैमिली, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात बतानी थी कि आज का व्लॉग जो है पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि व्लॉग शुरू तो दोंगा से होगा लेकिन आखिर में आज रात को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे घर पे। आ गया था एक सांप। जी हाँ, सही सुना आपने, एक सांप आ गया। और कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आगे देखिए। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो लीजिए, आज का व्लॉग भी शुरू हुआ और कल की ही तरह आज का व्लॉग भी मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। और फिलहाल मैं कार में हूँ और निकल चुकी हूँ मम्मी के घर के लिए। और यहाँ से हम और आदि निकल गए हैं और इसके बाद मानिक तल्ला से मम्मी लोग सबको इसी गाड़ी में बैठ के फिर चलेंगे, जहाँ दोंगा का प्रोग्राम होना है वहाँ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होना है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद दोंगा की जो पार्टी है वो किसी के घर पर है, तो किसी के घर पे जनरली मैं ज़्यादा शूट करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होगा दिखाऊंगी। और मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, अगर वो कोई रेस्टोरेंट या कुछ हुआ तब फिर तो आराम से मैं शूट कर लूँगी। तो चलिए, मुझे भी पता नहीं है क्या है वो डेस्टिनेशन, तो आगे चलते हैं फिर देखते हैं। शाम हो चुकी है वैसे और काफ़ी अंधेरा था, तो इसीलिए आदि मुझे हेल्प कर रहा है अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करके। ये देखिए, तो चलिए अब चलते हैं मानिक तल्ला और वहाँ से बाकी सब लोग भी गाड़ी पे आ जाएंगे, फिर चलेंगे हम लोग जहाँ दोंगा की पार्टी होनी है वहाँ। और फैमिली लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं दोंगा की जहाँ पार्टी होनी है वहाँ। एक कम्युनिटी हॉल टाइप का है फ्लैट के नीचे ही, जो नई दुल्हन है साक्षी उन्हीं लोगों के घर के वहाँ। तो यहाँ शूट करने लायक ऐसा कुछ था नहीं, बस सब एक गेट टुगेदर था, फिर सब ने डिनर विनर किया और इसके बाद दोंगा जैसे होता है बस उसी तरह हो के घर वापस आ गए थे हम लोग। फैमिली दोंगा से तो वापस आ गए थे, रात को करीब 11:15 बज चुके थे। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ आप लोगों को, ये मैंने सब बाद में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो गया था कि उस समय पॉसिबल ही नहीं था कि कैमरा लेके ये सारा कुछ मैं शूट करती, उस तरह का था ही नहीं सिचुएशन। काफ़ी डर गए थे हम लोग सब, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया एक सांप आ गया था सडनली घर पे। और फिर भी क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, तो वैसा सिचुएशन में, वैसा जहां हम सब डरे हुए थे, आदि भी मैं भी, और वैसे सिचुएशन में भी मैंने कैमरा लेके थोड़ा सा शूट किया ताकि आप लोगों को भी वो सांप दिखा सकूं कि कैसे था। और फैमिली बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ऐसे तो बहुत बड़ा वाला नहीं था, मीडियम साइज का था, लेकिन जो भी था वो बहुत डेंजरस था दिखने में। मैं तो बहुत डर गई थी, आदि भी डर गया था, और होल नाइट हम लोग सो नहीं पाए हैं उसी चक्कर में, क्योंकि रात हो गई थी। रात पे हेल्प लेती भी तो किससे लेती, और सब सोए हुए थे घर पे। यहाँ तो अंकल आंटी सब काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन फिर किसी को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। और फिर एक मेरा जो कज़िन है प्रभात, वो जगा हुआ था, वो हमारे रूम के बगल ही में उसका रूम है, तो वो जगा हुआ था, तो उसने आके शोर शराबा उसने सुना, क्योंकि आदि डर के मारे चीख रहा था। तो वो आया और प्रभात और मैं, हम दोनों मिलके किसी तरह से उस सांप को एक कंटेनर के अंदर हमने उसे दबा दिया। और इसके पीछे बहुत मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वो उसका सांप का। आप अभी आप लोगों को आगे मैं वीडियो दिखाऊंगी, आप देखेंगे ना उसके बदन पे जिस तरह की प्रिंट्स है, और वो सब देख के बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सडनली ये ऐसा कुछ होगा हमें पता ही नहीं था। हुआ एक्चुअली ये था, हम लोग जब आ गए ना दोंगा की पार्टी से आने के बाद, मैं अपना रूम में चेंज कर रही थी और आदि जो है वो वॉशरूम गया था टॉयलेट के लिए, तो वो वॉशरूम में आराम से चला गया, उसने कुछ नोटिस नहीं किया, गेट लॉक किया उसने टॉयलेट कंप्लीट होने के बाद। फिर वो जब बाथरूम से बाहर आने के लिए गेट खोलने गया, तो उसे दिखा कि जो बाथरूम का हमारा डोर है, डोर के साइड में जो एक वुडन फ्रेम होता है, उस फ्रेम के नीचे उसे कुछ ऐसे वो रोल होके इस तरह से, जैसे सांप ऐसे रोल होके पड़े रहते हैं ना, कुछ उस तरह से था। तो आदि को दिखा इतना बड़ा ऐसा रोल, वो क्या चीज़ है? तो जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि एक सांप इस तरह से रोल होके बैठा हुआ है। और वहीं से आदि चीखने लगा, अच्छा हुआ उसने डोर का लॉक खोल दिया था, और उसने वहीं से चीखना शुरू किया, मम्मा वॉशरूम में सांप है, सांप है। तो मैंने कैजुअली लिया उसकी बात को, क्योंकि बच्चा है, वो बच्चे लोग का होता है ना, कभी कभी अर्थवर्म भी देख लेंगे, तो वो अर्थवर्म को भी वो लोग सांप सांप कहने लग जाते हैं।
तो मैंने ऐसा ही कुछ सोचा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि एक्चुअली में सांप आ चुका है हमारे वॉशरूम में। तो मैंने वैसे ही सोचा लग रहा है वॉशरूम में उसने कोई अर्थवर्म देखा होगा, जो कीड़ा होता है तो उसी को वो सांप सांप कह के चिल्ला रहा है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, तो मैं पहले चेंज कर लूँ फिर मैं आके देखती हूँ क्या है। तो वो वहाँ से बोले जा रहा है, नहीं मम्मा सच कह रहा हूँ वो सांप है। और क्योंकि आदि ने शोर मचाया ना, तो वो सांप जो है वो बहुत एक्टिव था, वो रोल बना के ऐसे तो शांत बैठा था लेकिन शोर किया आदि ने, तो फिर उसके बाद वो ओपन हो के पूरा वो बाथरूम में ही मूवमेंट करने लगा, जैसे सांप लोग करते हैं ना क्रॉलिंग, उसी तरह से करने लग गया। और वो सब देख के आदि और चिल्ला रहा, उसका साइज भी उसने देखा इतना लंबा हो गया, पहले तो रोल होके बैठा था, वो चिल्लाए जा रहा। और मैं कह रही थी अरे रुको पहले कपड़े चेंज तो कर लूँ तब ना बाहर आऊँ। तो फिर एनी हाउ जब कपड़े मैंने चेंज कर लिए, फिर मैं जब गई हूँ, तब तक भी मैंने सोचा था कि ये अर्थवर्म का ही चक्कर है, वो आदि फालतू में शोर मचा रहा है। तो जब जाके मैंने देखा, मैं तो खुद शॉक हो गई, मैंने आदि को पीछे हटाया कि अरे ये तो सच में सांप है। और इतना ज़्यादा डर गए, शॉक्ड हो गए कि मतलब उस समय तो समझ ही नहीं आया कि अब करे तो करे क्या, ये तो सांप है, ये ना ही कोई इस पे हम वो हीट स्प्रे करे या कुछ भी करे, उसे तो कुछ होने वाला नहीं है। और फिर सांप को मारना भी नहीं चाहिए, तो हीट स्प्रे किए अगर बाय द वे वो मर भी गया तो पाप लगेगा, तो करना क्या है। बस मैं और आदि बस देख रहे, वो आराम से जहाँ मन तहाँ महाराज के जैसे घूम रहे हमारे वॉशरूम में, इधर से उधर इधर से उधर। और हम लोग परेशान हो गए कि करे तो क्या करे। तो यही सारा शोर शराबा सुन के ना, हमारा कज़िन जो है बगल में ही रूम है हमारे रूम से, तो वो जगा हुआ था, वो आया और उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मुझे तब बताया मैंने कि देखो ऐसे ऐसे वॉशरूम में एक सांप आ गया है पता नहीं कहाँ से। उसने देखा तो वो भी डर गया कि अरे ऐसे घर पे सांप कहाँ से घुस सकता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या हुआ। तो फिर एनी हाउ अब कुछ तो करना था, सोची कि एक बार आंटी को उठाऊं, फिर मैंने सोचा जाने दो डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जो काकी हमारी है ना उनको मैंने सोचा उठाऊं, फिर सोची कि जाने दो वो लोग सो रहे हैं बेकार, सुबह देखा जाएगा उन्हें उठाऊंगी। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसे किसी बड़े बर्तन से या किसी चीज़ से फ़िलहाल ढक देना होगा ताकि ये इधर उधर जाए नहीं, क्योंकि इतना ये वॉशरूम में घूम रहा है, और अगर बाय द वे वॉशरूम से निकल के बेडरूम में आ जाता है या बेड के नीचे कहीं चला जाए, अलमीरा के नीचे कहीं चला जाए, फिर तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा उसको। और वैसे ही हर रोज़ पार्टी में ये देख रहे हैं ना आप, इतने दिनों से रोज़ कुछ ना कुछ ये पार्टी वो पार्टी चल ही रहा है, तो उसके वजह से रूम भी पूरा बिखरा पड़ा है, तो वो कहीं भी घुस जाएगा छुप जाएगा ना, तो समझ ही नहीं आएगा, ढूंढते ही फिरेंगे हम लोग। तो ये एक मुश्किल था कि ये वॉशरूम में ही रहे तो ही बेटर है, यहीं पे रहते रहते इसका कुछ इंतज़ाम करना होगा। और क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सांप उठा के ले जाऊं बाहर फेंकने, ऐसे ही अपने दरवाजे से जस्ट बाहर भी नहीं फेंक सकती हूं, क्योंकि मैं सेफ हो जाऊं और इस घर में तो और भी काफ़ी लोग रहते हैं, तो मैं अपनी जान बचा लूँ और बाकी किसी के भी रूम में फिर वो क्रॉल करके घुस गया, सब लोग सो रहे हैं उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसा गलत काम भी तो मुझे करना नहीं है कि अपनी जान बचा लो और दूसरे लोगों के रूम में वो घुसे तो घुसे, तो ये भी मुझे नहीं करना था। तो मुझे सबके लिए सोचना था, तो इसीलिए मैंने सोचा बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसको किसी चीज़ से कवर किया जाए ताकि वो इधर उधर कहीं भी जा ना सके, ना ही मेरे बेडरूम के अंदर ना ही बाहर जाके किसी और के पास। तो फिर बहुत मुश्किल हुई, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोगों ने कोशिश की उसको कवर करने के लिए और वो इतना एक्टिव था, इतना स्पीड में वो क्रॉल कर रहा था कि संभाले संभल नहीं रहा था, और प्लस डर भी लगा हुआ था कि अगर ये जहरीला है, वो भी आइडिया नहीं था हमें कि वेनमस है कि नहीं है, लेकिन हमें सेफ तो रहना होगा। प्रभात भी डर रहा था, मैं भी डर रही थी कि बाय द वे अगर ये जहरीला है तो फिर काट वाट लिया तो वो तो और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो उस तरह से हमें अपने आप को सेफ रख के उसे कवर करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वो इधर से उधर भाग रहा था और हम लोग किसी भी तरह से उसे वॉशरूम में कवर नहीं कर पाए, और बैड लक था या जो भी था, वो वॉशरूम से निकल के हमारा जो लॉबी है कॉरिडोर जो जो गली है ना, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा जो बेडरूम के तरफ जाती है, और वो वॉशरूम से निकल के उस गली में आ गया।
और अब तो इतना ज़्यादा डर लगा हम लोगों को। और ये सारा कुछ जब हम लोग कर रहे थे, मैंने आदि से कहा था, आदि बेटा तुम बेडरूम के डोर के पास से ये सारा कुछ थोड़ा सा कैमरे से शूट कर लो ताकि व्लॉग में आप लोगों को हम लोग दिखा सके। तो सोचिए ऐसा डरावना माहौल में भी मैंने आप लोगों का ध्यान रखा कि आप लोगों को वो सारा कुछ थोड़ा ही सही लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि ऐसा सिचुएशन आया था और कैसे हमने टैकल किया। तो आदि है ना बेडरूम के डोर के पास खड़े होके कैमरा लेके शूट कर रहा था और जैसे ही उसने देखा कि वॉशरूम से बाहर आ चुका है वो, और बाहर वॉशरूम से आने के बाद वो सीधा उसका मूवमेंट हुआ बेडरूम के तरफ। और ये देखकर आदि भी बेडरूम के वहीं खड़ा था दरवाजे पे, और क्योंकि वो बेडरूम के तरफ जाने लगा आदि बहुत तेज़ चीखा और चीखने की वजह से वो और ज़्यादा इधर उधर करने लग गया। डर तो हम सभी गए थे। मैंने तो आदि को कहा तुम कैमरा वैमरा छोड़ो, तुम बेड के ऊपर चले जाओ, और मैंने झाड़ू लिया, वो सब कुछ आप चलिए आपको दिखाऊंगी वो सारा कुछ हुआ है। बहुत हेजी हेजी हुआ है क्योंकि भागम भाग हो रहा था इधर से उधर, सब डर गए थे। तो झाड़ू से किसी तरह से उसे पकड़ना ही था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतनी रात को अगर वो रूम में चला गया तो मेरे बच्चे की भी लिए मुझे फिक्र थी। तो जब आप एक माँ हो और आपके पास एक छोटा बच्चा है तो अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए आपको तो करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, सांप आ जाए या फिर कोई शेर आ जाए जंगल का, लेकिन आप अपने बच्चे को बचाने के लिए तो आपको करना होगा ना। तो जितना भी डर लगे मैंने सोच लिया बस वॉशरूम से ये कॉरिडोर में आ चुका है, इसके बाद ये हरगिज़ भी बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए वरना सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। बेडरूम में मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगी, ये कहीं भी घुस गया तो बेड के नीचे चला गया या काफ़ी कुछ है कवर्ड के नीचे, अलमेरा के नीचे, मैं एकदम से उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी, फिर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। तो इसे अभी के अभी कॉरिडोर के अंदर ही हमें कैसे भी करके कवर करना पड़ेगा और इसको रोकना होगा बेडरूम में जाने से, क्योंकि बेडरूम में मेरा बच्चा बैठा हुआ है। तो फिर हमने वो एक कंटेनर लिया, बड़े साइज वाला कंटेनर, क्योंकि मैं बर्तन कुछ भी लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा वो सांप देख के मुझे क्रीपी भी लगता है। तो मुझे लगा अगर मैं कोई प्लास्टिक कंटेनर या कुछ ऐसा लूँगी तो फिर उसे बाद में मैं फेंक दूँगी, और स्टील का बर्तन लूँगी तो फिर वो स्टील का बर्तन भी फेंकना ही पड़ जाएगा क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसे फिर यूज़ करूँ जिससे सांप को कवर किया जाए। तो एक तरह से अच्छा भी हुआ कि हमने उस मोमेंट स्टील का बर्तन नहीं यूज़ किया। वो कैसे वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो एक प्लास्टिक कंटेनर लिया और झाड़ू ली, और मैंने पहले कोशिश की कंटेनर से कवर करने की, नहीं हो रहा था। वो वॉल के कॉर्नर से ही इतना एक्टिव था वो, मतलब कुछ एक सेकंड के लिए भी वो एक जगह शांत नहीं बैठ रहा था, इधर उधर वो क्रॉल कर रहा था और बहुत स्पीड में। तो डर भी लग रहा था काट ना ले, फिर भी किसी तरह से मैंने झाड़ू से उसको दबाया, मतलब उसके बॉडी को झाड़ू से ऐसे प्रेस किया ताकि वो एक जगह स्थिर हो और उसे कवर किया जा सके। और झाड़ू से किया मैंने, वो कैसे किया वो तो बस मैं ही जानती हूँ कैसे हो पाया, वो इतना मुश्किल था। करने के बाद जैसे ही मैंने उसे झाड़ू से चापा, मतलब उसको प्रेस किया, तो उसी समय जल्दी से मेरे जो कज़िन भाई है उसने कवर कर दिया, वो डब्बा हाथ में लेके था, कवर कर दिया। अब फिर हमें ये भी डर लगा कि झाड़ू फिर मैंने धीरे से हटाया, अब डब्बा तो कवर हो गया और डब्बा खोलने का तो कोई सीन नहीं क्योंकि खोलते ही वो फिर भागेगा, इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आया है। अब फिर हम दोनों, प्रभात और मैं, हम दोनों ये भी श्योर नहीं थे कि पक्का वो डब्बे के अंदर है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम, कहीं झाड़ू में अंदर अंदर तो नहीं घुस गया। झाड़ू को हम झाड़ के देख रहे थे और सब, फिर और एक बार चेक करने का मन हो रहा था कि डब्बा ज़रा सा हटा के एक बार देख ले कि वो है कि नहीं, तो फिर मन शांत हो जाएगा कि हाँ वो डब्बे के अंदर है। लेकिन उसे देखने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही थी, डब्बा खोलना मतलब वो फिर निकल जाएगा, इतना एक्टिव है। तो अच्छा हुआ कि फिर जब हमने ध्यान दिया तो हमें दिखा कि उसका पूरा बॉडी जो है वो तो डब्बे के अंदर है, लेकिन उसकी जो पूंछ है ना वो डब्बे से बाहर ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो अब हम लोग समझ गए कि हाँ चलो, इसका मतलब ये डब्बे के अंदर है, अब बस इसके पूंछ को भी अंदर घुसाना है किसी तरह। तो वो प्रभात ने डब्बे को ना ऐसे ऐसे हिला के वो टैक्टफुली उसने किया धीरे धीरे, तब वो पूंछ भी डब्बे के अंदर चली गई। और इसके बाद उसके ऊपर हमने एक भारी वेट रख दिया और चैन की सांस ली कि चलो एटलीस्ट
अब वो इस डब्बे के अंदर है, अब वो इधर उधर भाग के ना किसी को काटेगा ना किसी को परेशान कर सकेगा। ये तो हो गया, और इसके बाद चलिए मैं बताने जाऊंगी, कहानी तो बहुत लंबी चलेगी। इसके बाद पहले आप ये सारा क्लिप देखिए, उसके बाद करते हैं बातें। आइन वाला मैंने सांप है, वो कोई कीड़ा उड़ा नहीं है, उसके पीछे ये मम्मा देख के इधर आइए अंदर आइए। तो ये रहा सांप, टॉर्च भी जलाइए और देखिए कोई जहरीला है कि क्या, फन होने वाला टाइप का है, फन भी है इसका, बहुत लंबा सांप है, क्या करे अब बोलो तो इसको, इतना डर पड़ेगा। अब जहरीला है कि नहीं वो भी तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई चीज चाप के बंद करके रखे हैं अभी सुबह के लिए। मम्मी वो आप बचिए मम्मा, उनको से कोई चाप के रख दीजिए, कैसे चाप के वो भाग रहा है। मगोग ठीक है रुको, हाँ वही कर लेंगे, एकदम चिपका है ना दीवार में। आदि मग नहीं है तो कोई चीज बड़ा देख के लाओ, तो कोई ऐसा चीज थोड़ा सा वेट वाला, थोड़ा मतलब जिसका वजन हो। और देख रहे हैं फैमिली, इतना डरावना है, इतना डेंजरस है, और मैं स्लो मोशन करके दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे तो ये बहुत तेज भाग रहा था, तो सोचिए हालत कैसी थी हम लोगों की। और इधर उधर इसको बाहर भी फेंकना ठीक नहीं, फिर किसी के घर में घुस जाएगा। मम्मा ऐसा टाइप का ना, जल्दी देखिए। और देखिए फैमिली ये बाहर आ गया, डर भी लग रहा है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्ला क्यों रहा है? मम्मा बहुत तेज, अरे रुक जाओ, चिल्लाओ मत, देख लो कितना स्पीड है उसका, तुम चिल्ला रहे इसलिए वो और तेज भाग रहा है, कहीं घुस गया ना, घुसते फिर जाएंगे रूम में भी घुस जाएगा फिर। झाड़ू निकाल के रखो तुम वहां से, झाड़ू का काटे एक निकाल लेंगे, झाड़ू का झाड़ू है कहां? वैसा झाड़ू तो गली में, ये झाड़ू है मेरे पास, एक झाड़ू। अच्छा अच्छा समझ गया, मोमेंट है ना, ये दिखता। अच्छा वो हमको सांप दिख गया, अभी रूम में चल जाएगा तब हम क्या करेंगे वही सोच रहे, इतना पतला छेद है नीचे वो घुस भी जाएगा रूम में। और फैमिली बाहर जूते चप्पल वगैरह रखे थे तो थोड़ी देर के लिए तो वो गायब भी हो गया, हमें ढूंढ के मिल ही नहीं रहा था, फिर हमें मिला बाद में। दिखा मम्मा, घर छोड़ के चल जाएंगे अगर रूम में, याद रखना जिंदगी भर के सिखाते हैं ना कि जूता हमेशा झाड़ के, अरे बाद में बताइएगा जो बताना है, पहले उसको पकड़िए वरना हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। जिंदगी भर याद रखना जूता हमेशा झाड़ के पहनना, हम घर छोड़ के भाग जाएंगे अगर रूम में घुसा, अगर वो रूम में घुसा हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। हम है ना तो अभी नहीं, हमको डर लग रहा है, भरोसा नहीं है, वो सांप है, बंद हो गया, बस उठा के देखो ना इसको, कोई ऊपर से भारी वेट दे के छोड़ दे रहे हैं, भारी वेट मत दीजिए, फिर निकल गया तो निकल जाएगा, बहुत पतला भी तो नहीं है वो। हाँ, कुछ वेट दे दीजिए, कुछ वेट दे दीजिए, उलट जाएगा तो कुछ ना कुछ रखिए। ज्यादा कोना भी मत करो, ऊंचा नीचा जमीन, ये प्लेन जमीन है, चले ऊंचा नीचा जमीन होगा तो ठीक निकल लेगा, नहीं निकल गया इधर कर दो मैं चाप के ले आना। तो देखा आपने फैमिली,
कैसे इतनी मुश्किल से फाइनली हमने उसे डब्बे में बंद किया। और इसके बाद सोच रही थी, रात काफ़ी हो चुकी थी यही सब करते करते, और डर भी काफ़ी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग, मतलब यस्टरडे वाला जो व्लॉग था, वो नहीं डालती हूँ, बल्कि जब ये सांप पूरी तरह से घर से बाहर फेंकना वेंकना हो जाए, वो सारा कुछ आपको दिखा के एक साथ ख़त्म करेंगे इस व्लॉग को। तो इसीलिए जो है ना, कल सुबह आपने देखा व्लॉग आ नहीं पाया था, तो फिर अगली सुबह हमने कैसे उसको बाहर भेजा, उस सांप को, और क्या कुछ हुआ, चलिए वो सारा कुछ दिखाते हैं। और बता दूँ आप लोगों को फैमिली, उसे जितना भी हमने डब्बे में बंद कर दिया था, सांप ही था वो आखिर, और पूरी रात ना आदि सो पाया था ना मैं सो पाई थी, डर लग रहा था, बार बार जाके हम देख रहे थे कि कहीं वो डब्बे से निकल ना जाए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद क्योंकि जगे हुए थे, नींद भी नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने गूगल पे, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया कि वो सांप की फ़ोटो डाल के कि ये कौन सा सांप है या क्या है, तो पता चला कि कॉमन क्रेट नाम का ये बहुत ज़्यादा हाईली वेनमिनस, मतलब कि बहुत जहरीला सांप है, और ये बेबी था सांप का, ये पूरा फुल साइज में नहीं था लेकिन बहुत जहरीला था। और ये जितना हम लोग सर्च करते और ये सारा कुछ देखते, उतना ज़्यादा हम डर जा रहे थे, और रात की नींद एकदम उड़ी हुई थी कि सुबह भी कैसे क्या करेंगे और कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, ये सारा कुछ सोच रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो सुबह जब होगी तब का तब देखेंगे। और इतना ही नहीं, मैंने वास्तु वगैरह के हिसाब से या हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से क्या है, सांप का घर में इस तरह से निकलने से क्या होता है या हमें क्या करना चाहिए, कुछ करना होगा कि नहीं, तो ये सारा कुछ भी हम लोग बैठे बैठे रात भर देख रहे थे। तो उसमें जितने भी वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस हमने देखे इस बारे में कि घर पे सांप आने का क्या महत्व है, या मतलब ये इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है इसका, तो हर जगह तो पॉजिटिव कुछ ही देखने को मिला कि मंडे का दिन था, और मंडे के दिन घर पे इस तरह सांप निकलना ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, हर तरफ से बिजनेस का ग्रोथ, या कहीं से बता रहे थे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो आदि जो है ना, मेरा मजाक उड़ा रहा था कि बस मम्मा ये भगवान ने सिग्नल भेज दिया है, अब आपका चैनल का कोई ना कोई वीडियो जल्दी से वायरल हो जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसे आने लग जाएंगे खूब सारे। तो ये सारा कुछ चल रहा था हम दोनों का, तो अच्छा क्या होगा वो तो देखा जाए, अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है, जो भी होगा आप लोगों से शेयर तो करेंगे ही, डेली व्लॉग्स आती ही हैं। और फिलहाल कैसे हमने अगली सुबह उससे छुटकारा पाया, चलिए वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। व्लॉग वैसे काफ़ी लंबा हो जा रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग इतना है कि मुझे पता है आप लोग ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे, हम लोगों की तो हालत ख़राब थी लेकिन आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर अगली सुबह कैसे उसको बाहर निकाल के हम लोगों ने दूर कहीं भेज दिया, मारना तो हमें था नहीं सांप को। और ये भी बता दूं कि जब हम लोग वीडियोस देख रहे थे रात को कि क्या करना चाहिए, उपाय या कुछ वो सब, तो उस वक्त हम दोनों के मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि बेचारे को हमने डब्बे से कवर तो कर दिया है, मैंने बेचारा वर्ड यूज़ किया क्योंकि है तो सांप है और शिव जी गले में उसे धारण करते हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊँ कि हम लोग हिंदू लोग जो है, हम लोग तो सांप को मारते नहीं हैं, हमारे लिए वो पूजनीय चीज़ है, जो भी है जीव है। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि रात भर वो इस तरह से डब्बे से कवर रहेगा, अगर जो वो मर गया तब क्या होगा, फिर तो पाप लग जाएगा कि मैंने अपने बच्चे की जान को सेफ रखने के लिए उसकी जान ले ली, तो ये तो पाप लग जाएगा। तो फिर हमने YouTube पे सर्च किया कि अगर सांप एनी हाउ हमारे वजह से मर जाता है तो क्या होता है, तो हमने देखा कि मतलब पाप ऐसा लगता है कि इस जन्म से लेके नेक्स्ट बर्थ तक वो पाप हमारे साथ चलता है सांप को मारने का, तो सांप को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। और यही वजह होती है कि अगर मैंने इस जन्म में किसी सांप को मारा है किसी भी तरह से, तो नेक्स्ट जन्म में भी अगर मैं इंसान के रूप में ही जन्म लेती हूँ तो फिर मेरे हॉरोस्कोप में जो काल सर्प दोष आता है ना, वो इसी वजह से आता है, वो पिछले जन्म से चलता हुआ वो पाप का असर मतलब नेक्स्ट बर्थ तक आता है। तो
तो ये सब कुछ देख के हमने कहा नहीं, इसे मारना नहीं है हमें। और वैसे भी ये वीडियो देखने से पहले भी हम लोग सोच ही रहे थे कि कहीं वो मर ना जाए पूरी रात इस तरह डब्बे में बंद। तो इस तरह से सोचने के बाद फिर हम लोगों ने एक ट्रिक लगाया कि नहीं, उस डब्बे में थोड़ा होल बनाना ज़रूरी है ताकि वो सांस तो ले सके रात भर आराम से। अब ये भी कोई आसान काम नहीं था, एक तो प्लास्टिक का डब्बा है और ऊपर से उसके सांस लेने का इंतज़ाम करना, और कहीं जो होल हमने बनाया सांस लेने के लिए और पता चला उसी में से वो निकल के बाहर आ गया तो हो गया कल्याण। और अब तो जो प्रभात है वो भी सो चुका है, तो फिर भी मैंने सोचा छोटा छोटा मैंने कुछ उपाय लगा कि बहुत बारीक बारीक होल हमें बनाना होगा तो उसको कैसे किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि सेफ्टी पिन से हो सकता है। अब सेफ्टी पिन से अगर हम लोग उसको होल करने जाएंगे ज़बरदस्ती चाँप चाँप के तो फिर चांसेस है कि डब्बा इधर उधर हिलेगा और वो बाहर निकल सकता है, तो वो रिक्स भी था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कैंडल लेके जाओ, कैंडल जला के और सेफ्टी पिन का जो नोक है उसको गर्म करके डालेंगे, तो क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर है तो वो जल्दी से आसानी से हो जाएगा और डब्बे को हिलाएगा भी नहीं। तो उसी तरह से हमने किया। तो इसी वक्त मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ कि हमने स्टील का कोई बड़ा बर्तन यूज़ नहीं किया था, वरना उसमें हम लोग होल कैसे बनाते, फिर तो वो मर ही गया होता और पाप भी लगता। तो भगवान ने ही हमें बचाया कि हमने प्लास्टिक के कंटेनर से उसको ढका था और जिसमें पॉसिबल हो गया होल बनाना। तो चलिए वो सारा कुछ दिखाती हूँ कैसे हमने उसमें होल बनाया रात को ही जाग के। मतलब होल मैंने बनाया होगा शायद 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे, तब तक बेचारा वैसे ही था, डर भी तो लग रहा था ना, फैमिली और आदि और मैं दोनों जगह थे तो हम दोनों गए थे साथ में, मैं होल बना रही थी और आदि शूट कर रहा था आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये सारा कुछ दिखा सकूं। तो देखिए आपके लिए मेरे बच्चे ने भी कितना कुछ किया है, ऐसा डेंजरस सिचुएशन में भी हम लोग भूले नहीं हैं व्लॉग बनाना और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वीडियो पे लाइक ज़रूर आप लोग करके जाइएगा, हर कोई जो भी देख रहे वीडियो पे एक लाइक तो बनता है आदि के लिए, मेरे लिए भी, मैंने भी इतना हिम्मत दिखाया, सोचिए घर पे सांप है और मैं बना रही हूँ व्लॉग, समझ सकते हैं आप। तो चलिए बातें कम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे हमने उसमें होल बनाया ताकि वो ज़िंदा रह सके, और फिर अगली सुबह कैसे उसे निकाला गया। उसे है ना हमारे अंकल जो है, जो मैं आंटी की बात आपको कर रही थी कि रात को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो अंकल ही, मतलब जो हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने ही उस सांप को ले जाके बाहर दूर एक होम है हमारे यहाँ, मतलब वहाँ जंगल टाइप है तो थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस पे वहाँ ले जाके उसे छोड़ दिया गया। और थैंक गॉड कि वो सुबह जब ढक्कन खोला गया वो ज़िंदा था, मतलब वो सांस ले रहा था, हमने जो होल बना दिया था तो उससे वो मरा नहीं था, वो आराम से सांस ले रहा था। तो उसको सांस लेता देख हमने भी चैन की सांस ली थी सुबह कि चलो ये ज़िंदा है और हम लोग पाप लगने से बच गए तो कोई पाप हमें नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे का। बैठ जाओ। नहीं ठीक है, एक सेकेंड रुक गया ना, रिकॉर्ड ऑन है, करिए रिकॉर्ड ऑन। झाड़ू रखी तो सबसे ज्यादा डेंजरस के साथ हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं।
एक चीला लेकिन बड़ा हो गया है ना, ठीक है निकल नहीं पाएगा। देख लीजिए, ज्यादा भी नीचे मत करिए, वो वाला नीचे में। हम माँ एक तो बात सोचिए, ठीक है, हम लोग सो रहे हैं, सुबह उठे हम लोग ये सोचिए सोए कि वो अंदर ही होगा, सुबह उठ के जब खोले भगाने के टाइम पे तब वो ना रहा तो क्या हालत होगा। और मत करिए मम्मा, वो निकल जाएगा, बस हो गया मम्मा, पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे और मेरा हाथ दर्द हो गया। बस हो गया और नहीं, मेरा हाथ दर्द हो गया। और देखिए फैमिली, इसी तरह से मैंने इतने सारे इसमें होल बना दिए, बस एक होल जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ये देखिए ये वाला, लेकिन फिर भी इतना भी बड़ा नहीं है कि उसमें से वो निकल सके। काकू बहुत स्पीड वो कर रहा, ध्यान दीजिएगा। है जिंदा है, मरा नहीं, हम बच गए। आपको दूर कहीं ले जाएगा ताकि फिर। तो देखा आपने फैमिली, आज का व्लॉग ऐसा बनेगा, ये मुझे खुद को भी पता नहीं था कि इतना एडवेंचर हो जाएगा घर के अंदर बैठे बैठे सांप वांप का। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जितने न्यू व्यूअर्स पहली बार आज देख रहे हैं वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे, व्लॉग तो व्लॉग में सांप। तो जो भी हो, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग पे लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली व्लॉग्स आती हैं। और अमेज़ोन की जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहती है मेरे हर ब्लॉग में, तो अगर आप लोगों को कुछ ख़रीदनी है वो सेम चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। फैमिली आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, साथ रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और शॉर्ट्स पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, थैंक यू आप सभी को दिल से। आगे भी मैं ऐसे शॉर्ट्स डालती रहूँगी क्योंकि शॉर्ट्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो यूं ही सपोर्ट करते रहिए, साथ रहिए। मिलती हूँ फिर से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।